Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India. बीजेपी नेता और 6 बार के विधायक हृदय नारायण दीक्षित ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हृदय नारायण दीक्षित को बधाई दी। दीक्षित ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी के 7 विपक्षी दलों ने भी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए दीक्षित का समर्थन किया। हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव के भगवंत नगर से विधायक बने हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी के शपथ ग्रहण समारोह में हृदय नारायण दीक्षित को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। तभी से ये माना जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण ही बनेंगे। हृदय नारायण दीक्षित संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही सदन में कार्यवाही करने का उनका लंबा अनुभव है। वो 4 बार विधायक और विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी संगठन में भी खासी पकड़ मानी जाती है। दीक्षित साहित्यकार एवं लेखक भी हैं। उनके कई लेख और किताबें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। आपातकाल में वो करीब 19 महीने तक जेल में भी रह चुके हैं। हृदय नारायण दीक्षित समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्थान लेंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Exposed India. Keep watching.